नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि कौशल और आप देख रहे हैं न्यूज़ क्लिक। इसराइल और फिलिस्तीन के बीच में युद्ध को आज एक हफ्ता पूरा होने चला है। इसी बीच इसराइल ने धमकी दी है कि वो गाज़ा के इलाके में अब ज़मीनी वॉर को शुरू करने जा रहा है। इस पूरी जद्दोजहद के से कहीं दूर दिल्ली के जंतर मंतर पर आज दिल्ली के नागरिक सड़कों पर उतरे हैं ताकि वो फिलिस्तीन में मारे जा रहे बच्चों, बूढ़ों और महिलाओं के लिए न्याय की गुहार कर सकें। वे कहते हैं कि इसराइल की पूरी कार्रवाई आतंक से प्रेरित है और इस पूरे समस्या का समाधान आपसी बातचीत के जरिए होना चाहिए। दिल्ली पुलिस ने आपको आधिकारिक तौर पर अनुमति तो दी नहीं है यहाँ पे प्रोटेस्ट करने की, आखिर क्या वजह समझ में आती है कि आपको जो है क्यों नहीं दी? दिन प्रतिदिन ये हम देख रहे हैं कि पुलिस का रवैया विरोध, किसी भी विरोध प्रदर्शन के लिए दिक्कत देने वाला हो रहा है। मामूली 10 लोग, 15 लोग एक जगह इकट्ठा होके अगर अपनी उस एकजुटता को दिखा रहे हैं तो इसको भी होने के लिए नहीं दिया जा रहा। यह है साम्राज्यवादी ताकत की पहुंच, जो उनकी पहुंच यहां तक हमसे ज्यादा हो रही कि हमारे लोगों को यहां खड़े होने तक प्रमाण लेना पड़ रहा है, जबकि एक पूरा सीमित कर दिया गया है। जंतर मंतर एक छोटा सा जगह बना दिया गया, अब उसमें भी परमिशन डिनाइल, ये क्या हो रहा है? लोकतंत्र है कहाँ? हमने एक्चुअली इनको फॉर्मल रिक्वेस्ट दिया है, दिल्ली पुलिस को फॉर्मल रिक्वेस्ट दिया है, हमारे एक प्रोटेस्ट होने वाला है उसके लिए अब परमिशन दे दो। और कल रात को मुझे मिलने के लिए भी बुलाया है DCP ने, मैंने मिलने के लिए गया है, 1.5 घंटा उधर वेट किया है, बट DCP साहब बिजी था। फिर मैंने बोला मेरा क्लाइंट मीटिंग है, मुझे जाना है, और 10:30 बजे करीब मेरे पास फोन आया है, आपका ये हमने परमिशन डिनाई किया है, आप प्रोग्राम कैंसिल कर दो। मैंने इनको बोला है वो ये परमिशन डिनाई करना आपका काम है और प्रोग्राम कंडक्ट करना हमारा काम है, वो हमारा डिसीजन है, हमने वो करना है नहीं करना है वो हम करेंगे, ठीक है। फिर उन्होंने फिर इसके बाद स्पेशल ब्रांच वाले को फोन आना शुरू कर दिया, फिर इन्होंने बोला आप करेगा तो फिर हम ये करेंगे, फिलहाल अडिम का ऐसे करने ऐसे शुरू कर दिया। मैंने बोला ये तो हमारा डिसीजन है, हमारा पीस मूवमेंट है, ऑल इंडिया पीस एंड सोल्डरिटी ऑर्गेनाइजेशन, हम पीस के लिए बात कर रहे हैं, हमने पीस तोड़ने वाला नहीं है, हमारा पीसफुल प्रोटेस्ट है और जो जगह है इसके लिए डेजिग्नेट है, हम ये बैरिकेड से बाहर नहीं जाने वाला हूँ। हमारा होगा 50-60 लोग होगा, हमारा ऐसे एक्टिविस्ट है, इसमें डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से है, हम आएंगे, हमारा पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे, उसके लिए रिक्वेस्ट दिया है वो करने वाला है। फिर आज सुबह SHO से अभी ACP तक बात हुई है, वो बोल रहे हैं हमारा डिसीजन नहीं है, ऊपर से एडमिनिस्ट्रेशन बोल रहे हैं आपका ये कार्यक्रम, आपका ये प्रोटेस्ट होने नहीं देना है, हम डिटेन करेंगे। हम बोलो ठीक है, वो आपका काम है, हम तो इधर डिटेंशन के लिए तैयार है, वो हमने एक्सपेक्ट करके आया हुआ है, ठीक है, वो आप अपना काम कर लो। फिर हमने जब शुरू किया है, जहां इन्होंने मना कर दिया, पहले इन्होंने मना कर दिया इधर आने के लिए, फिर जहां हमने इन्होंने बंद कर दिया, हम उधर प्रोटेस्ट शुरू कर दिया, फिर उसके बाद इन्होंने अंदर आने के लिए दिया। आप लोगों का एक पोस्टर में देख रहा था, उसमें लिखा हुआ है हम सब फलस्तीन, इस नारे को अगर आप समझा पाए हमारे दर्शकों को तो आप क्या कहेंगे कि आखिर आप लोगों ने ये नारा क्यों दिया कि हम सब फलस्तीन? हमने इस नारे को इसलिए दिया है क्योंकि हम, मेरी समझ है, हम सब की ये समझ है कि ये जो फिलिस्तीनी जनता की जो संघर्ष है, जो फिर से उठ खड़ी हुई है, लेकिन संघर्ष तो बहुत दिनों से चल रहा है, वो जो संघर्ष है वो जो साम्राज्यवाद के खिलाफ पूरे दुनिया के जनता की का जो संघर्ष है उसका एक अहम हिस्सा है। और ये जो खड़े हुए हैं लोग, मैं ये कहना चाहती हूँ कि यूक्रेन में भी एक साम्राज्यवाद रूस के खिलाफ एक प्रॉक्सी वॉर चला रहा है और वहाँ भी उसको डिफीट फेस करना पड़ रहा है, और यहाँ भी इसराइल में जिस तरीके से फिलिस्तीनी जनता ने अपने संघर्ष को कि जो इसराइल के खिलाफ जो लड़ाई है वो बहुत बड़ी तादाद में डिवेलप कर चुकी है। मैंने एक वहाँ पर कोट बताया अभी बोलते हुए कि लोग कहते हैं फिलिस्तीन के अंदर जो लोग कहते हैं कि ये जो संघर्ष है ये हमें नहीं बचाता, हम संघर्ष को बचाते हैं, ये लोगों का कहना है वहाँ। और हमारे तरफ से भी यही समझ है कि हम संघर्ष को बचाएं। अगर पिछले लगातार दिनों से आप देखें, एक के बाद एक जिस तरह से हमला तेज हो रहा है, वो बहुत स्पष्ट है कि वहाँ जिनोसाइड होने वाला है और बड़े पैमाने पर जमीनी कार्रवाई शुरू हो। अभी तक तो हवाई फायर हो रहे थे, लेकिन कल से जिस तरह के संकेत हैं वो जमीनी कार्रवाई जो है होने की संभावना दिख रही है, जिसमें करोड़ लाखों लोग
मारे जाएंगे। ये हमारी सबकी चिंता की बात है कि इस जिनोसाइड को रोकना है और उसी के लिए हमने इस प्रोटेस्ट को इमीडिएट बुलाया। इसराइल तो वही कर रहा है जो उसके साथ हिटलर ने किया था, बजाय इसके कि हिस्ट्री से सबक लेते और जिस तरह रहना चाहिए एक जनवादी देश में जनवादी देश बनाकर वैसे रहते, वो उसका उल्टा कर रहे हैं। जो उनके साथ हिटलर ने किया वो फिलिस्तीन में कर रहे हैं। 75 साल से वो फिलिस्तीन को तबाहो बर्बाद कर रहे हैं, उनके घरों को उजाड़ रहे हैं, फिलिस्तीनियों को डिस्प्लेस कर रहे हैं, और ये कोई प्यार से तो कर नहीं रहे, फोर्स के बल पर ही कर रहे हैं। ड्रोन अटैक, बच्चों पे हमला, बच्चों को मारना, औरतों को मारना, हर तरह के क्राइम्स उनके ऊपर हो रहे हैं। आप ये नक्शा देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये था फिलिस्तीन 1946 में, ये हो गया एक साल बाद, ये हो गया देखिए 67 में, और ये कहाँ पहुँचा आप देखिए 10 साल पहले। और आज ये दोबारा कह रहे हैं कि हम ज्योग्राफी बदल देंगे, अब ये कह रहे हैं हम ज्योग्राफी बदल देंगे उस इलाके की। तो असल में कौन वहाँ पर हिंसा कर रहा है, कौन ऑपरेशन कर रहा है, ये बहुत साफ जाहिर है। ये जो देश हैं जो मदद करने की स्थिति में हैं, वो तो किसी तरीके की मदद दे नहीं रहे हैं, तो आपके बोलने से हासिल क्या होगा? सवाल जनमत का है, विश्व मत का है। हम जितने भी हैं जहां भी हैं वो इस सॉलिडेरिटी में, एकजुटता में अगर हम खड़े नहीं होंगे तो हम किसके लिए जवाबदेह हैं? हम इस मानवता के लिए जवाबदेह हैं, और इसीलिए इस विरोध का एक मतलब बनता है और उसी मतलब से हम यहाँ आए हैं। एक के बाद एक जनमत जब बनता है तो देश की भी सरकार को बोलना पड़ेगा। आप देखिए विदेश मंत्रालय ने पहले दिन के बयान के बाद दूसरे दिन फिलिस्तीनियों के साथ अपनी एकजुटता दिखाई। तो ये है कि अगर हम देश के अंदर अगर सॉलिडेरिटी नहीं जताएंगे तो सरकार भी, ये दक्षिणपंथी सरकार भी चुप्पी बनाए रहेगी। उसकी चुप्पी को तोड़ने के लिए भी हमारा बोलना जरूरी है, और इसीलिए हम बोलने के लिए आए। देखिए ये कोई एक मतलब आप क्या सोच रहे हैं कि फिलिस्तीन का मसला एक प्रोटेस्ट से हल हो जाएगा? ऐसे नहीं हो सकता है ना। अगर ऐसा होता तो 48 से जितने हो रहे हैं प्रोटेस्ट उसमें तब तक हल हो जाना चाहिए था। तो ये जो मसले होते हैं ये ऐसे हल नहीं हुआ करते हैं, क्योंकि ये दुनिया की जो पावर्स हैं उनके बैलेंस को कंट्रोल करने के लिए बनाए जाते हैं। और जिस तरह से इसराइल की स्थापना हुई है वो हम सबको पता है कि क्यों बनाया, ब्रिटिश कॉलोनी, ब्रिटिशर्स ने उसको ला करके वहाँ पे क्यों बिठाया गया था। तो ये प्रोटेस्ट, ये कहना कि एक प्रोटेस्ट से आप पूरी लड़ाइयों को रोक देंगे, हम उस तरह की बेवकूफ़ी की बातें नहीं करते जैसे कि हमारे कुछ साथी तो मैं नहीं कहूँगी, हमारे मुल्क के कुछ लीडर्स करते हैं कि मोदी जी के एक फ़ोन के ऊपर यूक्रेन का वो रोक दिया गया। ऐसी बेवकूफ़ी की बातें होती हैं, इस तरह के ना तो युद्ध रुकते हैं ना कुछ होते। हाँ, प्रेशर्स बिल्ड करने की ज़रूरत है कम से कम ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के ऊपर, और वो प्रेशर खाली हमारे एक प्रोटेस्ट से नहीं होंगे, वो प्रेशर पूरी दुनिया के लोगों को इकट्ठा होना पड़ेगा, अपने अपने मुल्कों की अपनी अपनी सरकारों के ऊपर प्रेशर बिल्ड करने होंगे कि इसको आप इसराइल के ऊपर आप कंट्रोल करिए, इसराइल को रोकिए। खुशी की बात है कि इसराइल के अंदर से भी कुछ लोग बोल रहे हैं, कुछ इंटेलेक्चुअल्स, एक्टिविस्ट, उन्होंने इस हमलों को और इस सब के खिलाफ आवाज़ उठाई है। तो यकीनन हमें उम्मीद है कि ये आवाज़ें और मजबूत होंगी और ये जुल्म बंद होगा।